नेक्स्ट केस फ्रॉम द ओ केसेस इज अबाउट द एनीमिया। एनीमिया हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इसको मैनेज करते हैं ऑल द थिंग्स सो अब अनीमिया का जो पेशेंट होता है उसकी हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज जेंडर और फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ़ दॉडी एज भी जो है वो ड्रॉप हुई होती है उसको अनीमिया कहते हैं पेशेंट जो है वो पेल अपेयर होता है आपको ठीक है तो अब मोस्ट कॉमन जो है अनीमिया की कॉज uh, वो आयरन डेफिशिएंसी होती है और फीमेल्स में मोस्टली जो एनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी ही होती है सिक्सटी सिक्स परसेंट फीमेल्स आर आयरन डेफिशिएंट इन पाकिस्तान ठीक है अब ये है कि और भी हमारे पास अनिमिया होते हैं ड्यू टू थैलेसीमिया ऑटोम्यून डिजीज हिमोलेटिकीमिया मैंग्लोब्लास्टिक अनीमिया उसमें आप देखते हैं कि अगर तो आपका जो आर साइज़ है वो कम है नॉर्मल है या ज़्यादा है उसकी बेसिस पे हम करते हैं यू नो दैट कि एम जो होता है मीन जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल होता है 78 एट टू हंड्रेड या सेवेंटी एट टू नाइन्टी फाइव या एटी टू एट हंड्रेड होता है फैमटोलीटर फैमटोलीटर में एफ़ जो होता है फेमटो वो टेन रेस टू पावर माइनस फिफ्टीन की उसकी पावर होती है तो वो जो है अगर एम सी वी कम हुआ हो तो उसको माइक्रोसेटिक कहते हैं ठीक है अगर ज़्यादा हुआ हो नाइनटी फाइव से हंड्रेड से ज़्यादा हुआ हो तो उसको एनीमिया कहेंगे और अगर नॉर्मल हो और एनीमिया हो तो उसको नॉर्मोसीटिकीमिया कहेंगे ठीक है तो आपको पता है कि जो आ, आपका होता है माइक्रोसिटिक अनीमिया जिसमें सेवेंटी एट फेमटोलीटर से कम हुआ हो होता है आर बी सी साइज एम सी वी उसमें हमारे पास आते हैं आयरन डेफिशेंसी अनीमिया थैलेसीमिया सीड्रो प्लास्टिक अनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज और जो मैगलोब्लास्टिक प्लास्टिक अनीमियाज होते हैं उनमें माइक्रोसिटिक अनीमिया जो होते हैं उनमें नाइन्टी फाइव फेमटोलीटर या हंड्रेड फेमटोलीटर से ज़्यादा हुआ होता है एम सी वी आरबीसी का साइज़ बढ़ा हुआ होता है और उसमें कौन से निमियाज़ आते हैं एसिड डेफिशिएंसी और बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी ठीक है और जो नॉर्मल सटिक एनीमियाज होते हैं उनमें बाकी आ जाते हैं ऑटोम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जी सिक्स पी की वजह से नीमियाज या हाइड्री स्पीरोसाइटोसिस ब्लड लॉस ठीक है और इस तरह के जो आरबिस की जिसमें शेप चेंज हो जाती है या इस तरह से ऑटोम्यून या इन्ज़ाइम डिफिशेंसीज की वजह से जो नीमियाज़ होते हैं वो नॉर्मल सिटी के नीमियाज़ होते हैं ठीक है तो ये चीज़ आ जाती है अब पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट कॉमन इन यंग एडल्ट फीमेल्स होता है प्रजेंटिंग कम्प्लेट क्या होती है पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है पैल्पिटेशन्स ठीक है थायरोटॉक्सिकोसिस में भी आपको पता है पैल्पिटेशन्स होती हैं और भी बहुत सी डिज़ीज़ में पैल्पिटेशन्स होती हैं ठीक है लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है ना थायरोटॉक्सिकोसिस से भी ज़्यादा पैल्पिटेशन अनिमिया में होती हैं फटीग इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है पेशेंट थका हुआ होता है चिड़चिड़ापन होता है वो कहते है मुझे वो कहती है मुझे काम करने को दिल नहीं करता सर में दर्द है टांगों में दर्द है जिससे में दर्द है ठीक है कहेगी मेरे मैंने मेरा कच्चे चावल खाने का दिल करता है या नॉन फूडी आइटम्स खाने का दिल करता है जिसको पाइका कहते हैं ठीक हो गया जनरलाइज वीकनेस होती है तो इस तरह की जो है कंप्लेंट्स होती हैं वो फीमेल्स के अंदर होती हैं ठीक है तो फिर हम उनकी जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो जब उनके नेल्स देखते हैं हाथ देखेंगे तो पे, पेल हो गए हाथ ठीक है पेलर हुआ होगा हाथों पे और फिर हम उनकी नेल्स देखेंगे तो ब्रिटल नेल्स होंगे ठीक है पॉइलोनी किया होगा जिसमें स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं मेल्स में मेल्स में आपको मिल सकता है ओवरऑल पेशेंट जो है वो पेल होगी ठीक हो गया फिर जो हम उनकी एग्जामेशन uh, करेंगे माउथ की ओरल कैविटी की तो ओरल कैविटी में फिशर टंग आपको मिल सकती है स्टोम एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है ठीक है फिशर टंग जो होती है ये आपको आयरन डेफिशिएंसी बायोटिन डेफिशिएंसी बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी में मिलती है तो ये आपको मिल सकता है फिर चेस्ट देखेंगे तो वो अनरिमार्केबल फाइंडिंग होगी डॉमन देखेंगे तो आयरन डेफिशियसी में आपको कोई स्प्लिनों वगैरह नहीं मिलेगी लेकिन बाकी किसी अनिमिया में आपको मिल सकती है ना तो इसमें नहीं मिलेगी आपको फिर आप जो है एग्जामिनेशन के अंदर एक पल्स भी देखते होते हैं पल्स जो होती है अब आपको पता है कि एनीमिया के अंदर ज़्यादा होगी होती है ठीक है तो टैकी कार्ड भी आपको मिलेगा हाई हाई जो है पल्स ज़्यादा मिलेगी और लो वॉल्यूम पल्स मिलेगी सो तो इस तरह से आपने जो देखा पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन को और उसकी एग्जामिनेशन देखी हाथ देखे ठीक है उसको ओवरऑल अपेयरेंस देखी उसकी आपने जो है वो माउथ देखा ओरल कैविटी चेस्ट एपटामिन ये सब कुछ फिर आप करवाते हो उसकी सीबीसी सीबीसी में आपको तीन चीज़ें मिलती हैं ठीक है जो आपको आयरन डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाती हैं उसमें वी हैव द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की बात करें तो अब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं कि एट बर्थ जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है वो ट्वेंटी ग्राम पर डेसी होती है एक साल के बाद टेन ग्राम्स पर डेसी होती है एक साल जो हो जाता है बच्चे की तो टेन ग्राम डेसी पर डेसीटर होती है और फिर बढ़ती है टीन में फिर बढ़ती है ठीक है पहले ज़्यादा थी फिर कम हुई फिर ज़्यादा हुई फिर फीमेल्स में जो टीन में होती है वो थर्टीन प्लस माइनस टू ग्राम पर डेसी लीटर या थर्टीन पॉइंट फाइव प्लस माइनस टू ग्राम पर डेसी लीटर और मेल्स में न थर्टीन पॉइंट फाइव से लेके कर पॉइंट फाइव ग्राम पर डेसी लीटर होती है ठीक हो गया तो जब हम सी बी सी अनिमिया के देखेंगे आयरन एंड की तो उसमें आपको एज कम मिलेगी एलेवन से कम मिलेगी फीमेल्स में ठीक है तो उसको आप कहेंगे इसके अलावा एम आपको जो है आयरन डेफिशेंसी में कम मिलेगा माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो सेवेंटी एट से ट्वेंटी सेवेंटी एट फैम लीटर से कम मिलेगा एम जो है वो भी आपको ट्वेंटी सिक्स से कम मिलेगा नॉर्मल जो एम है वो कितना है ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी पिगोग्राम तो ट्वेंटी सिक्स से कम मिलेगा तो दिस इज़ नोन एज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ठीक है उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ के uh, हीमोग्लोबिन कितना है जितना कम हीमोग्लोबिन होगा उतना हम उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट करेंगे जितना ज़्यादा होगा उसके मुताबिक हम मैनेजमेंट करेंगे तो अगर तो आपके पास एक बन एक फीमेल आई है फॉर एग्जांपल और उसकी एच जो है वो नाइन पॉइंट से ज़्यादा है लेकिन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है मतलब 9.5 टू तो 10.5 के दरम्यान में है तो इसमें हम उसको ओरल जो है ना आयरन देंगे आईवी देंगे ठीक है जैसे ही वो आपके पास आती है एक इंजेक्शन तो आप विटामिन बी ट्वेल्व का लगा दें जिसकी फॉर्म्स आती हैं आपके पास न्यूरोमेट कोबेलेबिन ठीक है 500 मिलीग्राम स्टार्ट ये आपने लगाना है आई एम या आई वी इसके साथ आपने उसको पेशेंट को एक टैबलेट लिखनी है आयरन की टैबलेट पोलीमोल्ट एफ़ एक गोली रोज़ाना नाश्ते के दौरान लेनी है दूध के साथ नहीं लेनी ठीक है किस तरह से लेनी है एक महीने के लिए खाने के नाश्ते के दरमियाँ फॉर एग्जांपल वो एक रोटी खा रही है तो आधी रोटी के बाद वो आयरन की टेबलेट लेगी और फिर बाकी आधी रोटी खाएगी आइडियली क्या है सिट्रस फ्रूट्स के साथ आप लोग उसे आयरन को ताकि उसकी एब्जॉर्बशन अच्छी हो पोलीमोल्ट एफ़ के अलावा कौन से ब्रांड्स आते हैं सेंगो बीओन बिस्लारी ठीक है ये हो गया जब हमारा एच जो था वो नाइन पॉइंट फाइव से टेन पॉइंट फाइव के दरम्यान में था अब हम बात करते हैं अगर हमारा एच जो है वो एट पॉइंट फाइव से नाइन पॉइंट फाइव के दरम्यान में है तो जब हमारा नाइन पॉइंट फाइव से टेन पॉइंट फाइव तक था तो तब हमने उसको थ्री मंथ्स के लिए सॉरी वन मंथ के लिए आयरन दिया था ओरल अब हमारा जो है वो 8.5 से 9.5 है तो उसमें हमने थ्री मंथ्स के लिए ओरल आयरन देना है उसी तरह पेशेंट को इंजेक्शन लगाया वाइटामिन बी ट्वेल्व का न्यूरोमैट स्टार्ट आई एम और फिर उसको टैब पोलीमोल्ट एफ़ दे दी उसको एक गोली रोजाना नाश्ते के साथ नाश्ते के दरमियान तीन महीने तक ठीक है तो इसमें आपने तीन महीने का कोर्स देना है फिर अगर एच बी जो है वो सेवन पॉइंट फाइव से एट पॉइंट फाइव के दरमियान में है। ठीक है सॉरी तो उसमें आपने पेशेंट को आईवी आयरन आई देना है ठीक है अब आईवी आयरन आई कैसे देते हैं हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको कच्चे हून की बोतल की ज़रूरत है जिसको हम रॉ आयरन कहते हैं आईवी लाइन हमने पास करनी है उसको हमने नॉर्मल सिलाइन की हंड्रेड एम की एक आईवी लाइन पास की हंड्रेड एम नॉर्मल सिलाइन अटैच किया उसके अंदर आपने आयरन ऐड कर दिया इंजेक्शन आयरन का कौन सा है हाइफ़र वीनोफ़र बिस्लारी या साइंगोबियन इनमें से जो भी आपको मिलता है उसके टू एम्प्यूल्स आपने नॉर्मल सिलाइन के अंदर ऐड कर देने हैं और स्लोली आपने सिक्सटीन टू ट्वेंटी ड्रॉप्स पर मिनट के लिहाज से अगर चलाते हो ड्रिप को तो तकरीबन डेढ़ घंटे में हंड्रेड मिनट्स में आपने वो इंजेक्शन पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि उसको इंजेक्शन वाइटामिन बी ट्वेल्व का लगाएंगे न्यूरोपैड को कोई भी आप लगा सकते हैं इनमें से ठीक है फिर आपने पेशेंट को साथ में ये भी समझाना है कि अगर आपको खारिश हो या आपको जो है सांस में दुशारी हो सर दर्द हो तो ड्रिप को रोक देना है ठीक है क्योंकि एनाफिलेक्सिस हो सकता है टेस्ट डोज आइडियली तो टेस्ट डोज के साथ ही आप उसको करोगे लेकिन अगर हम नहीं रहे तो आपने पेशेंट को यह समझा देना है और अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पेशेंट को इचिंग फ्लेयर व्हील्स या टेकि कार्डिया पैल्पिटेशन या उसको हेड शुरू हो गया है या उसको सांस में दुशारी हो रही है तो आपने क्या करना है उसी वक्त आयरन को रोकवाना है ठीक है और इंजेक्शन एवेल और डेगजा आपके पास होने चाहिए टू तो कम्बैट दिस एनाफिलेटिकलेक्टिक रिएक्शन ठीक है तो फिर आपने एवेल और डेगजा जो है वो ओवर टू मिनट्स स्लोली आई दे देना है उसको ठीक है और फिर जो है आपने यह देने के बाद स्लो इनफ्यूजन फर्दर करनी है इस वजह से रिएक्शन को बचाने के लिए आप शुरू से उसको स्लो देते हो ठीक है और फिर डिस्चार्ज पे आपने क्या करना है कि आई वी आर लगा दिया तो डिस्चार्ज में क्या करना है टैब मोल पॉलीमोल्ट एफ लिख दिया आपने एक रोज़ाना नाश्ते के दरमियान ठीक है और उसको कहा कि टेंथ डे पे अब आयरन आईवी आयरन रिपीट होगा आपका अब आपने दस दसवें दिन आना है और एक और आयरन की ड्रिप आपको लगेगी ठीक हो गया <coughs> तो ये बात जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है जो कि हम बात करते हैं अब अगर तो हमारा जो आयर एच का लेवल है वो सेवन पॉइंट फाइव से भी कम है तो उस केस में पैक्ड सेल लगते हैं ठीक हो गया इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ आयरन को किस तरह से जो है वो लेना है अब होता ही है कि आयरन को जो है ना एसिडिक इन्वामेंट चाहिए होती है एब्ज़ॉपन के लिए ड्यूडनम में तो अगर पेशेंट पीपीआई ले रहा होगा तो क्या होगा अगर पेशेंट पीपीआई ले रहा होगा तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी तो आयरन की एब्जॉर्पन नहीं होगी तो इस वजह से पेशेंट को हम कहते हैं अगर आप कोई मैदे की गोली ले रही हैं तो आपने नहीं लेनी ठीक है इसके अलावा क्या है कि आयरन को अगर हम लेते हैं तो वो ब्लैक स्टूल्स जो है उसकी वजह से होता है और आ, वो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है ठीक है एबजॉपशन कम होती है अगर हम इसको खाने के दरमियान में नहीं लेते ठीक है तो इस वजह से खाने के दरियान में लेते हैं ताकि ब्लैक स्टूल्स ना हो गेस्ट्राइटस का इशू ना हो और एब्जॉर्बन कम हो तो खाने के दरमियान में लेते हैं पेशेंट को हम समझा देते हैं कि आपको काला पहाना आता है तो कोई मसला नहीं है वो दवाई का असर है ठीक हो गया अब विटामिन बी ट्वेल्व हम क्यों ले रहे हैं आयरन के साथ उसके बारे में हम आपको बता देती हूँ क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व एडिथ्रो में हेल्प करता है ठीक है जितने भी नर्व रिलेटेड इश्यूज होते हैं लाइक ट्राई जेमिनल गेंग नि हो गया सियाटिक का पेन हो गई पल्स पालसी हो गई इनमें हम वाइटामिन बी ट्व देते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं ठीक है और इसमें रिथ्रोपाइसिस में भी हेल्प करता है आई एम या आई वी दे सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो वाइटामिन बी ट्व का ब्रांड होता है वो मैथी होता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इसको कभी भी ड्रिप में ऐड करके नहीं देते वाइटामिन बी टवेल्व को ठीक है और जैसे हम वाइटामिन बी का इंजेक्शन खोलते हैं बी ट्वेल्व का तो एक मिनट के अंदर अंदर इसको, इसको इस्तेमाल करना होता है इसके अलावा ये सनलाइट में डी नेचर हो जाता है तो उसमें बचाना होता है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है वाइटामिन बी टेल्व के इंजेक्शन के बारे में ठीक है तो इसके अलावा हमने जो अब ये बात याद रखनी है कि कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है अगर हम एक आयरन का इंजेक्शन लगाते हैं तो 0.5 से अगर 0.5 टू 0.7 जो है 0.2 एक महीने के अंदर भरता है अगर आयरन लेंगे ठीक है ओरल आयरन अगर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तो ज़ीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट सेवन भरता है तो ये बात याद रखनी है कि वन आयरन का लेने से एक महीने के अंदर जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवन इंक्रीज होगा ठीक है अगर एक पेशेंट है उसकी एज भी एट है तो हमने उसकी एच पी करनी है तो हम कितने उसको आयरन देंगे आई वी तीन आयरन देंगे वन वीक के इंटरवल के साथ ठीक है तो तीन आयरन आई वी लगेंगे तो उसका एट एट से एलेवन जाएगा इसी तरह अगर उसकी नाइन है तो इलेवन करनी है तो उसको दो आयरन के इंजेक्शन लगाएंगे वन एक वन वीक के इंटरवल से ये बात याद रखनी है ठीक है फिर एक बात आ जाती है कि अगर एनाफिलेक्टिक एक होता है एनाफेक्सिस हो गई है ठीक है जो हमने बात की उसको कैसे मैनेज करना करने एवेलोर डेग्जा से एक होता है पेशेंट एनाफिलेक्टिक शॉक में चला गया उसको ऐसा एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया उससे आयरन से तो उस केस में क्या होता है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को शॉक है रादर देन सिंपल एनाफिलेक्सिक्स एनाफिलेक्टिक रिएक्शन तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन शॉक शॉक में क्या होता है सॉरी उसमें हंड्रेड से कम बीपी हो जाता है ठीक है और हाथ पोर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं उस केस में एनाफेलेक्टिक शॉक के केस में हम पेशेंट को एड्रीनालीन देते हैं जीरो पॉइंट फाइव एम एल की और एंटीरोटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या हम उसको एंट्रा डेल्टॉयड भी जीरो पॉइंट फाइव एम एल लगा सकते हैं एड्रीनालीन ये एनाफेलेक्टिक रिएक्शन शॉक के लिए हेल्पफुल होता है ठीक हो गया इसके अलावा एक बात है कि अगर पेशेंट पोअर कम्पलाइंस शो कर रहा है या पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का इशू है तो फिर हम ओरल आयरन देने के बजाय पेशेंट को आईवी आयरन देते हैं ठीक हो गया अब यह है कि अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यही हमारा केस डिस्कशन है जो हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्ट कॉमन इन यंग एडल्ट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमने बात कर ली ठीक है उसके बाद सी बी सी में हमें क्या नज़र आएगा वो भी हमने बात कर ली एच पी हमने देख ली कि नाइन पॉइंट फाइव से टेन होगी तो फिर हमने क्या करना है अगर एच पी जो एट पॉइंट फाइव से नाइन पॉइंट फाइव है तो फिर हमने क्या करना है ठीक है जिसमें हमने ओरल आयरन दे के वन मंथ का ठीक है एट पॉइंट फाइव से नाइन पॉइंट फाइव में थ्री मंथ्स का सॉरी करना होता है ठीक है उसके बाद आई वी आयरन आपने साथ लगा आई वी आयर आपने तब करना है जब आपका जो है वो सेवन पॉइंट फाइव से एट पॉइंट फाइव के दरमियान में हो ठीक है फिर आपने आई वी आयर लगाना है लेकिन आप आई वी आयरन नाइन पॉइंट फाइव से कम हो तो फिर भी लगा सकते हो क्योंकि एज नो वन टेक्स आयरन फॉर थ्री मंथ सो इफ़ एच बी अगर नाइन पॉइंट फाइव से कम है तो आप आई वी आयरन लगा सकते हो क्योंकि थ्री मंथ्स के लिए कोई भी आयरन नहीं लेता तो उसको एक इंजेक्शन आयरन का लगा दो सेंगोबियन हाइफर जो भी आपने लगाना है ठीक है इसके अलावा एविल को अगर आप इंजेक्शन न्यूरोमैट के साथ लगा कर देते हो तो फिर इट प्रिफेंड्स फ्राम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन एवेल अगर लगा दो ठीक है गिव इन इंजेक्शन न्यूरोमैट विद इन वन मिनट एज वाइटामिन बी टेडियो एंडराइजेज ये भी हमने बात कर ली फिर हमने ये भी बात की कि जो हमने आयरन लगाना है वो हम 100 एम या 500 हंड्रेड एम नॉर्मल सिलाइन के अंदर मिक्स करके देंगे टू एम का ठीक है देन स्लोली स्लॉट स्टार्ट द ड्रिप एज इट एंड इन टू टू थ्री आवर्स तो ये भी हमने बात की ऑन डिस्चार्ज गिव औरल मेडिकेशन टू टेक एट मॉर्निंग मील एज आयरन नीड्स एसिडिक एनवामेंट ऑफ स्टमिक सो वी शुड नॉट टेक पी पी आई इलाग विद इट डो नॉट टेक आयरन सप्लीमेंट विद मिल्क और टी एज इट कैन मेक चिलेट तो मिल्क एंड टी के साथ भी आयरन नहीं लेना ठीक है ये भी बात याद रखनी है फिर आपने सी बी सी रिपोर्ट जो होती है वो जब आप आयरन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपने एक महीने के बाद जो सी बी सी है उसको रिपीट करवाना होता है ठीक है थ्री टू फोर टाइम्स अगर आप आए, इंजेक्शन आने लगाते हो पेशेंट विल बी फ्री ऑफ सिम्टम्स तो हम केस डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ पैल्पिटेशन एंड एस ड्यूरिंग वर्क विद जनरलाइज वीकनेस बॉडी एचेज एंड बैक एक पैलर हमने देखा तो एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव था सी बी सी में एच बी जो है वो नाइन पॉइंट टू मिलीग्राम्स पर डे लीटर है तो अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे जैसे कि हमने बात की कि अगर पेशेंट का एच बी नाइन पॉइंट फाइव से 10.5 के दरम्या में है तो फिर हमने उसको औरल आयरन वन मंथ के लिए देनी है और फिर हमने उसको साथ में इंजेक्शन विटामिन बी ट्व का लगाना है अगर 8.5 से 9.5 है तो फिर आपने थ्री मंथ्स के लिए औरल आयरन देनी है और इंजेक्शन इं, स्टार्ट में जो है वाइटामिन बी का लगाना है ना ठीक तो, है तो क्योंकि यहाँ पर नाइन है मतलब नाइन पॉइंट फाइव और एट पॉइंट फाइव के दरमियान में है तो फिर आप उसको ऑब्वियसली टैप पोलीमोल टैफ एक रोज़ाना नाश्ते के दौरान तीन मार्क के लिए दोगे और साथ में स्टार्ट में आपने क्या लगाया इंजेक्शन वाइटामिन बी टवेल्व का आता है मैगजल मीन फाइव हंड्रेड एम जी का इसके अलावा वाइटामिन बी ट्व के हमने इंजेक्शन की बात की कि जो है उसको न्यूरोमेट ठीक है कोबेलमिन मैगजिल मीन ये भी हमने लगा दिया ये भी उसका एक फॉर्म है ठीक है इसके अलावा आप उसको विटामिन डी भी दे दो क्योंकि उसको बैक एक भी हो रही है तो एक टीका एक गिलास दूध में चार हफ़्ते हर हफ़्ते एक टीका चार हफ़्ते आपने लगाना है हर हफ़्ते एक टीका लगाना है इंजेक्शन एक गिलास दूध में ऐड करके ठीक है और इसके अलावा पेशेंट को दर्द की सूरत में आप जो है टैब जो कि एनसीड है वो भी आप लिख दे सकते हो फाइव हंड्रेड एम जी साथ आपने पेशेंट को समझा देना है कि मोहतरमा आपको खून की कमी है जिसका इलाज खून की कमी होने की पूरी होने की सूरत में मुमकिन है दर्दों की दर्दों की जो है दर्दों की ज़्यादा दवाई नहीं लेनी मतलब एंसर्स नहीं लेने ठीक है ज़्यादा नहीं लेनी जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो फिर आप उस सूरत में ले सकते हो मैं देखें कैप्सूल से परहेज़ करें पी पी आई जो होते हैं क्योंकि एसिडिक सी इन्वायरमेंट में आयरन काम नहीं करती ठीक है एक सेब रोज़ाना खाना है कलेजी खानी है अंडे हैं उनका इस्तेमाल करना है ठीक है तो इस तरह से आप इसको मैनेज करोगे फिर हमारा केस है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हिस्ट्री ऑफ जनरलाइज वीकनेस विद पेल्पिटेशन अनएबल टू परफॉर्म स्ट्रेनस वर्कस सी कितनी है एच पी है अब देखें एट एच पी पे आपने क्या करना था ठीक है सेवन पॉइंट फाइव से एट पॉइंट फाइव के दरमियान में आ रहा है तो यहाँ पे अपने आई वी लगाना है सब कुछ ठीक है आई वी लाइन पास की उसको हंड्रेड एम या फिर फाइव हंड्रेड एम नॉर्मल सी अटैच की उसके अंदर आपने इंजेक्शन हाइफर ठीक है या जो भी आपके पास आयरन का इंजेक्शन है वो टू एम उसके अंदर ऐड कर दिए नॉर्मल से लाइन में और साथ में आपने आपने उसको विटामिन बी ट्वेल्व इंजेक्शन को बेलमिन फाइव हंड्रेड एम जी का आता है आईवी स्टार्ट किया ठीक है और साथ में आपने उसको अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो ये आपके पास एवेल और अवेलोडा होने चाहिए ये आपने कटना हैं ठीक है यहाँ पर नहीं लगाना जब आपको कोई रिएक्शन फ़ील हो रहा है फिर लगाना है डिस्चार्ज पे आपने उसको टैब पोलीमोल्ट एफ़ लिख के दी एक रोज़ाना पानी के साथ नाश्ते के दौरान तीन माह के लिए इस्तेमाल करना है और टैब मिक्जमीन विच इज़ वाइटामिन बी ट्वेल्व फाइव हंड्रेड एम जी की गोली आती है एक रोज़ाना रात को लेनी है वही चीज़ें आपने दोबारा उसको बतानी है कि आपको खून की कमी है जिसका इलाज खून की कमी पूरी होने की सूरत में मुमकिन है दर्दों की ज़्यादा दवाई नहीं लेनी मेरे के कैप्सूल से परहेज़ करना है रोज़ाना एक सेब खाने कलेजी और अंडे का इस्तेमाल करना ठीक है तो ये हमारी जो है ना कंप्लीट हो गई अनिमिया से रिलेटेड जो भी है आपको मैंने बताया कि किस तरह से हमें पेशेंट को जो है वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है हमें एग्ज़ामिनेशन भी क्या देखना होता है और जो है कैसे उसको मैनेज करना है जब उसकी एज भी कितनी होगी तो क्या करना है ठीक है और पेशेंट को जो समझाने वाली बात है वो ये कि आपने साइंस ऑफ एनाफिलेक्सिस पेशेंट को बता देने कि अगर ये हो तो फिर आपने कैसे उसको स्टॉप करना है ये बातें इम्पोर्टेंट है ठीक है।, है तो दिस इज ऑल अबाउट अनिमिया एंड इट्स मैनेजमेंट